पुलिस के द्वारा दिन प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। जो बिना वजह घूमते पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे भी हो रहे हैं, 151 में भी गिरफ्तारी हो रही है और 207 MD एक्ट में वाहन भी जब्त हो रहे हैं, जिन्हें फिलहाल रिलीज भी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, कहीं पर अगर लोग इसकी पालना नहीं कर रहे हैं तो उसमें मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कल भी कर्फ्यू क्षेत्र में एक जगह पे 9 जगह एकत्रित मिले थे, वो कर्फ्यू के आदेशों की उल्लंघन था, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल उनका मेडिकल वगैरह करा करके मेडिकल टीम की सलाह पे उन्हें क्वारंटाइन में रखने की सलाह दी थी तो उनको OTC में रखा गया है। आज भी धनमंडी क्षेत्र में इसी प्रकार लॉकडाउन के उल्लंघन के 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछले दिनों भी कई पर्व आए हैं, सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया है, सभी लोगों ने लॉकडाउन की भी पालना की है, कानून की भी पालना की है और कर्फ्यू क्षेत्र में और विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं। आज भी शबे बारात का पर्व है, मुस्लिम समाज के सदर और अन्य जो मौतवीर हैं उन्होंने भी सभी समाजजनों को, युवाओं को आह्वान कर रखा है कि वो घर पर ही ये पर्व मनाए और कहीं भी घरों से नहीं निकले, ना तो लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करें ना ही कर्फ्यू क्षेत्र में किसी प्रकार का मूवमेंट करें। तो समाज का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, लोग इस बात को मान भी रहे हैं। इसके अलावा एहतियातन हमारे अतिरिक्त जाप्ता भी लगाया हुआ है और हम पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार के लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो और कर्फ्यू क्षेत्र में भी किसी भी आदेशों का उल्लंघन ना हो।